इसके अंदर बकायदा हमने साथ में उनके आदमी को रखा है ताकि इसके अंदर कोई ऐसी चीज ना हो जो किसी भी कौम को, जो हमारी हमारी सिख कम्युनिटी को कोई भी चीज की हानि हो। ये दूसरा प्रश्न, एनीवन? प्रभु जी प्लीज नाम बताओ। नाम बताओ। एसटी नीचे बैठ। सर, सर, यू आर फ्रॉम साउथ एंड यू आर डायरेक्टिंग अ फिल्म व्हिच हैज द रूट्स इन पंजाब, तो सरदारों के किन बातों को आपको प्रभावित किया? I think films doesn't have language, and music also doesn't have language, and that's why I told it's sing is powerful and respectful and sensitive. We have read many things. Our, as his sir told, we have kept one Sardar, sir, and he was guiding us also. If we are doing wrong, no sir. If we are doing right, correct sir. And also, while going through the script, we all will be sitting with my script writer, dialogue writer, everybody. And then welcome, and we'll go ahead. And also, one more thing, I don't know whether to tell it or not. When we do, no, nothing. That's it. Hi, Akshay, RJ Alok here from OAFM. आपके सेंटर में मैं हूँ। जी, आप जहाँ भी। सर, सवाल ये है कि पहले तो मुबारकबाद ब्रदर्स की जो ओपनिंग हुई थी, ग्रैंड ओपनिंग, उसके लिए, आपके लिए, आपकी टीम के लिए। Thank you very much. सवाल ये है कि 16th एक्ट्रेस हैं ये जिनको आप एक तरीके से अपनी फिल्म के साथ भी लॉन्च कर रहे हैं। आपने कई नई एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया है, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आई थिंक मुझे नहीं लगता इसमें इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसी बात की आपत्ति होनी चाहिए। दे हैव बीन गिवन द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड हियर इट इज, वन ब्यूटीफुल एग्जांपल इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड शी इज टैलेंटेड। And I must tell people, I mean, she is excellent in fights, by the way. If you can see, aapne trailer ke andar chota sa inka namuna dekha, she is excellent, she is very athletic and she is amazing in fights. So, wo sab mila ke, beautiful, she is beautiful, she is talented, wo sara cheez mila ke, humne is film mein Amy Jackson ko hum launch kar rahe hain, and that we are all happy about that. ट्रेलर से पहले गाना लॉन्च करने का जो मास्टर स्ट्रोक था, उसके बारे में बताएं, ये कैसी? वेल, उस मास्टर स्ट्रोक का मैं सारा श्रेय इन दोनों को देता हूं, अश्विनी यार्डी एंड धवल साहब। इन्होंने मिलके ऐसा प्लान बनाया कि दे वांटेड टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि हर फिल्म एक ट्रेलर से लॉन्च होती है, लेकिन कोई फिल्म गाने से लॉन्च नहीं होती है। एंड आई थिंक वो गाना आज क्लिक हो गया है, एंड इट ऑल गोज टू देम। एंड पंजाबी फ्लेवर की ये फिल्म है एंड साउथ इंडियन डायरेक्टर हैं, तो ये कैसा तालमेल था, जरा इसके बारे में बताएं। सारे चीज तू ही पूछेगा। अच्छा, हाय अक्षय। ओ या, अच्छा, जवाब 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 जी, बिल्कुल। सिंग इज किंग जब बनी थी तो एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, अनीस बाजमी साहब ने डायरेक्ट की थी, और यहाँ प्रभुदेवा साहब जो साउथ इंडियन साउथ इंडिया से हैं, वो डायरेक्ट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि किसी फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए एक रिलीजियस, मतलब एक वही रिलीजन आदमी को करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी पंजाबी को ही ये फिल्म को डायरेक्ट करना चाहिए। आई थिंक जैसे सदाजी ने कहा था कि उनकी फेवरेट फिल्म है सिंग इज किंग, लेकिन एक मुसलमान ने डायरेक्ट की थी, एंड दैट शोज़ कि हम, हमारी जितनी भी इतने कौम हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर, वी आर ऑल वन टुगेदर एंड वी अंडरस्टैंड ईच अदर। तो आई थिंक प्रभु देवा साहब ने भी इसके अंदर बहुत अच्छा काम किया है। मैंने फिल्म को डबिंग के वक्त देखी है, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद इट। आई एम अ क्रिटिक टू, देन दैट विल बी अ वेरी हेल्पफुल थिंग। यस, एक्चुअली दे पीपल लुक डाउन एट कॉमेडी अबाउट, नॉट ओनली दैट, हम इसे हमारे कॉमेडी को
कई लोग मतलब यहाँ तक कि हमारे कई अवार्ड नाइट्स भी कॉमेडी को नीचे देखते हैं कि मतलब बेस्ट हीरो इन रोमांटिक बट व्हाट अबाउट बेस्ट हीरो इन कॉमेडी व्हाई इज कॉमेडी नॉट सीन एज अ बिगेस्ट जॉनर टुडे इंद्र कुमार साहब इज देयर ही हैज मेड सो मेनी कॉमेडी फिल्म्स आई थिंक इट्स वंडरफुल टू मेक कॉमेडी फिल्म्स लोगों को हंसाना आई एम श्योर आपको बताता हूँ लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल है रुलाना आप आराम से रुला सकते हो ये कह के मतलब अपने खुद की आंखों में ग्लिसरिन डाल के या दो उंगलियां भोंक के अपने रो लो एंड बट हंसाना लोगों को हंसाना बहुत ही मुश्किल काम है एंड आई थिंक वन डे विल कम दैट कॉमेडी ऑल्सो विल गेट हिज द ड्यू विच इज विच इज वेरी मच देयर एंड आई होप ऑल द अवार्ड नाइट्स लॉट ऑफ अवार्ड नाइट्स आर हियरिंग इट दैट दे शुड कंसिडर कॉमेडी एज वन ऑफ द बेस्ट जॉनर हेरा फेरी सबसे बड़ा एग्जांपल है क्रिटिक्स ने भी सम्मानित किया बहुत बड़ा अक्षय यहां इस फिल्म से आप एक नया शब्द दे रहे हैं सिंहगिरी वो सिंहगिरी क्या है सिंहगिरी ये जैसे दादागिरी है जैसे गांधीगिरी है वैसे सिंहगिरी एक अपना रुबाब है एक सिंह का रुबाब है मतलब एक सिंह के अंदर जैसे हम कई आप में से कई लोग जानते हैं कि जब भी आपको अपनी वाइफ को या बेटी को या बच्ची को किसी टैक्सी में अकेले छोड़ना होता है तो आप 10-12 टैक्सी वाले कहोगे लेकिन किसी सरदार जी की टैक्सी देखोगे कहोगे नहीं इस गाड़ी में चली जाओ बिल्कुल तो वो उनकी सिंगिरी होती है कभी आपने सुना नहीं होगा कि किसी सरदार जी ने किसी मतलब कोई गलत काम किया हो रिस्पेक्ट ना दी हो किसी औरत को आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम सो वो एक एटीट्यूड जो है सिंगिरी का दैट इज व्हाट सिंगिरी इज ऑल अबाउट इन दिस फिल्म ऑब्वियसली आई वर्क्ड अ लॉट इन साउथ इंडिया एंड प्रभुदेवा इज नेशनली रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स सो टू वर्क विद हिम इज very very wonderful I loved it but working with this team but no Isekai I wasn't a part of that's another Amy Prabhudeva Akshay se yahan film ke trailer mein dekha ki heroine fighting kar rahi hai oont aapko press kar raha hai to raftaar ko heroine mil gayi hai sirf oont ki kisi se haan ji oont ki kismat mein bhi tha सो आई थिंक अगर आप फिल्म देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी किस्मत में हूँ या मेरी किस्मत में कौन है सर ये जो अक्षय सर है बहुत प्रैंक्स करते हैं सेट पे और इन्होंने अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक ईसा वाला प्रैंक भी किया था तो आप शूटिंग से ज़्यादा इनके प्रैंक से परेशान होते थे सेट पे Yeah, yeah. Ashwini is going to answer this paneer wala or because she only knows the prank. I don't. Ashwini, please bully. No, it's nothing. He keeps fooling around, and you have a system, sound system, which is connected to all the wireless. So Akshay, in Prabhudeva's accent, ordered a lot of paneer. So Prabhu sir was not even hungry, and a lot of paneer happened there. Everyone ran to get paneer from Prabhu sir, but it was Akshay who ordered. Akshay, please bataiye na kaise bolu. मुझे भी याद नहीं आ रहा यू हैव टू इमिट प्रभु सर प्रोड्यूसर को सब याद रहता भाई नहीं अभी इतने कर चुका हूं बिकॉज़ मैं पनीर का कॉस्ट रख रही थी अच्छा प्रभु सर की आवाज में जो मिमिक्री करता था तू मजे लेने आए यहां प्रभु प्रभु अनकम लिपिका मारक ये अक्षय உங்களுக்கு என்ன ஹெல்ப் பண்ணட்டா பஞ்சாபி ஃபிலிம் பண்றங்க கொஞ்சம் ஐ திங்க் we have joined no that itself is a big thing la I enjoyed it enjoyed the film அது வேர்ட் சொல்லுங்க கொஞ்சம் பிரபு சார் அது வேர்ட் சொல்லுங்க பனீர் இல்ல என்ன இல்ல எனக்கு தெரியல அது பத்தி அக்ஷய் ஹாய் in this film you talk about how women should be able to defend themselves That is something you believe in your life as well, right? So Absolutely. I run classes. I run classes for it. The day for yesterday only, there was a graduation day. I have finished training about 3,000 to 4,000 girls. And that is, I look forward for it. These lines also, there are some lines which I have told them that I must say, it is very much there ki ladkiyon ko sirf nakhunon pe nail polish rang nahi lagana chahiye. Use... इस्तेमाल करो
कोई आपको छेड़े उसे इस्तेमाल करो. तो आई मीन यू हैव योर हैंड्स योर लेग्स यूज इट आंसर देम बैक. ट्रस्ट मी मेन आर वेरी स्केर्ड ऑफ वुमेन वेरी स्केर्ड. दे एक्चुअली मतलब एक किस्म का मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ. जब मैं टोरंटो में एक कनाडा में एक फ्लाइट क्रैश लैंडिंग हुई थी एंड दिस इज अ रियल थिंग क्रैश लैंडिंग हुई थी तो सारे पैसेंजर बच गए एंड व्हेन दे ओपन द गेट लिसन टू बी केयरफुली व्हेन दे ओपन द गेट 95% मेन हैड पीड इन देयर पैंट्स. रियली 95% वुमेन सॉरी मेन हैड पीड इन देयर पैंट्स एंड 36% वुमेन हैड पीड इन देयर. So you can imagine the difference. How scared are we? We are actually very scared of situations. It is always, जब भी हम हमारे problem होती है, हम सबसे पहले याद करते हैं माँ, because we need courage, and that is what you should do. What happens with women is, when somebody tries to touch them or attack them, they freeze. They freeze because they don't know what to do. What has happened? They were not ready for the situation like this. Never in their life something has ever happened. Yeah, just exactly 2 hours. The producer gave me only 2 hours because we are there for only 1 day to shoot. So yes, I got a little bit time, and he was kind enough, and he actually sat down properly. But beech mein usko gussa bhi aata hai. That video clipping, I don't know, she has it where he actually there's a scene ki gaadi mein piche baithe hua hai wo mere, and he's sitting down. And I'm driving the car. Something happened to him. He got angry. I think it was the reflection on the आगे का जो कांच होता है उसके अंदर उसने अपना reflection देखा. He thought there was another lion. He actually hit the whole thing and just मतलब टूट गया सारा का सारा. And I तो ran away because उससे कौन टकराएगा? उससे कोई नहीं टकरा सकता. So, but there was a major bonding between him and the lion. And you've seen Akshay is actually very good with animals. You've seen the camel kiss, which has become very famous now with Tung Tung. So even the lion, he actually got a lick from the lion, though it wasn't a very pleasant experience for him. Oh, that was like a sandpaper. When he licked me, it was like a sandpaper. So don't ever try this at home. Hello, Akshay, just one last question. Just going to use this platform to ask you, do you know about the arrest that happened at midnight at FTII, and do you have anything to say about it? No, ma'am, I'm not going to answer anything like that. I'm just going to talk about Singers Bling, ma'am. Sure. Hello, Babu sir, Sumit, Delhi Times. Babu sir, aapka har movie mein ek concept hota hai dance ke liye, aur special aap kuch effects dalte ho usme, aur kuch naye steps hai. To Akshay saab se aapne kya step naya karwaya is baar? Actually, in this film, four music directors are there, and they give the superb songs, and I didn't choreograph any song. All other people, every song has a unique style. आपका कुछ unique style है? Yeah, but आपसे natural आपने करवाया. तो please मैं चाह रहा हूँ से 2 second में कुछ अच्छे साहब से कुछ करवाओ please. एक एक कुछ ऐसा step हो जाए please. Sir, वो जब गाने का launch होगा ना तब करेंगे sir. अभी फिलहाल trailer का. तो sir आप एक step तो बताओ क्या step है? जी मैं कह तो रहा हूँ आपको, जब गाने के होगा तब मैं आपको बता देंगे, तब आपके पास आके बता देंगे, आपको ऑफिस में बुलाएंगे तब अकेले बैठ के दिखाएंगे सारा. थैंक यू गाइस. हाँ she's writing it, you read it, then we can talk about it, because at the moment I don't want to say anything, and I don't want to spoil the fun of what she's writing, and it's just a person's point of view, so there's nothing like any at the moment I'm not going to give my point of view. Nothing wo mere se galti ho gayi, I calculated it wrong and the whole fire ring fell on me. But I was lucky enough to escape, and that's it. Thank you, guys. Sorry? Sir, we have not finalized it, sir. Sir, we have not finalized it, sir. Any question? Last question, please. Prabhu, aapne choreograph nahi. No, normally in my films, others only choreograph. Revision kar raha hai bhai abhi kya? No, they are better than me, other choreographers.
थैंक यू गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू, थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी.